पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। पर इतना सोचो मत, इंप्री गायब किया है, कुछ घंटे में वापस आ जाएगा। हम उससे पहले ये पिलाकर तुम्हारा जादू थोड़ी देर के लिए फिर गायब कर देंगे। चलो चलो, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, तुम ठीक हो जाए, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। पियो, अरे नहीं जम रहा, यहाँ से कोशिश करता हूँ। अरे थोड़ा तुम आगे आओ, थोड़ा मैं आगे आता हूँ। पियो पियो। नहीं पी पा रही हूँ तौबा तौबा जी। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, अरे इसे दवा नहीं पिलाए तो भांजी मुझे मार देगी, नहीं कुछ करना पड़ेगा। तौबा तौबा जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक आइडिया दूं। वैसे मैं किसी का आइडिया वगैरह नहीं लेता हूँ, अगर तुम इतने प्यार से दे रही हो तो लाओ दे दो आइडिया। अगर आप मेरा एक हाथ खोल दें तो मैं ये खुद पी लूंगी, फिर मैं बेहोश हो जाऊंगी। और मैं जब बेहोश हूँ तो आप मेरा ये हाथ फिर से बांध देना, और मेरा दूसरा हाथ तो ऐसे भी बंधा हुआ है। तो मैं भाग तो सकती नहीं ना, और इतने बड़े हिमाचलोक में तो घूम भी जाऊंगी, तो आप चाहे तो खोल सकते हैं मुझे। रुको, ये फैसला हम सब मिलके लेंगे। विराम, रख लिया। ए, क्या करूं, इसको दवाई पिला दूं? दवाई तो पिलानी पड़ेगी, लेकिन कैसे पिलाऊं, इसके हाथ तो बंधे हुए। अरे हाथ बंधे हुए तो क्या हो गया, पिला दे उसको। लेकिन ये वो भाग गई तो, अरे ऐसे कैसे भागेगी, लेकिन इसने ये दवाई मेरे मुंह पे फेंक दी तो, अरे ऐसे कैसे फेंक देगी। हाँ तू खतरनाक तौबा तौबा है, तौबा तौबा। हाँ ये भी पास चाहिए, मैं खतरनाक तौबा तौबा हूँ। हाँ हाँ पिला दे दवाई जल्दी से। खतरनाक तौबा तौबा ने ये फैसला लिया है कि हम आपका एक हाथ खोलेंगे। जी ए, ए, रुको। अच्छा सुनो, तुम भाग तो नहीं जाओगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये लो। यो यो, मैंने अपने हाथों से जड़ी बूटी कूट कूट के डाली है इसमें। यो यो। मेरे रहते हिमबाज से तू कहीं नहीं भाग सकती, बालवीर की माँ। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपको इतना सब कुछ कहा, आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। नहीं बालवीर, नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा और लग भी नहीं सकता। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी मैं सब समझ सकती हूँ। अचानक से इतने बड़े सच को अपनाना बहुत तकलीफ होता होगा, है ना? लेकिन आपको भी तो तकलीफ हुई होगी ना। काशवी ने मुझे समझाया कि आप जो भी करती हैं मेरे भले के लिए करती है, तो फिर आपने आज तक इतने सारे सच जो मुझसे छुपाए हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। काशवी, हाँ बहुत समझदार लड़की है, और उसी से बात करके मुझे समझ में आया
कि अगर आप मुझे पिताजी के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती तो उसकी भी कोई ठोस वजह होगी, और इसलिए अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, ना ही मैं आपसे अपने पिता के बारे में अब कोई सवाल पूछूंगा। मुझे नहीं जानना वो कौन है, कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। क्या? मुझे भी एहसास हुआ कि तुम्हें अपने पिताजी के सच के बारे में जानने का पूरा हक है। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें खुद सही गलत फैसला लेने का पूरा हक है, इसलिए अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। तो क्या क्या आप मेरे पिता का सच मुझे बताएंगी? हाँ। कौन है, कहाँ पर है, क्या नाम है उनका, और वो जिंदा है? हाँ जिंदा है। और उनका नाम भस्म है। भस्म? लेकिन अगर वो जिंदा है तो आपके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्रिंकार लोक के लावा में कैद है। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियों ने उन्हें धोखे से कैद कर लिया है। वो जगह बहुत खतरनाक है। पता है बालवीर, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा है। सर्वशक्तिशाली, जो हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। और इसलिए ही आगिल की माँ ने बहुत सालों पहले धोखे से उन्हें कैद करके रखा है। बेनाम बनकर तुम्हें अपने हर झूठ पर यकीन दिलवाना कितना आसान हो गया है बालवीर। अरे अंधेर, मेरे भाई कहाँ हो तुम? अरे मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा ही अंधेरा है। मेरा मतलब है अंधेर, मेरे भाई, मेरे हमसफर। अरे तुम कहाँ हो? यहाँ। मामा, अपने काले मुंह से मेरा कपड़ा गंदा मत कर। बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रेंग, और जितना रेंग सकती है रेंग। तेरा भागना फिजूल है बेनाम। जब तक आगील का मिशन पूरा नहीं हो जाता तू नहीं भाग सकती बेनाम। रे 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 रे। एक बात बताओ अंधेर, तुम्हें अपनी मालकिन आगील पे ऐसे हुक्म चलाते बड़ा मजा आ रहा होगा ना? मामा, ये बकवास का टाइम नहीं है, बकवास बंद कर। ए, बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो तुम्हारे दिमाग का ख्याल है जो मैंने पकड़ लिया है। अंदर से बेनाम होने के बाहर रंग रूप जो तो आगिल है ना, जो तुम पे धौंस जमाती है, पल पल डराती है, इसलिए जादू मार मार के भगा रहे हो ना उसे। बदला ले रहे हो ना उससे। मुंह बंद करेगा या मैं? इसके पास जादू कहां से आ गया? बालवीर के जादू का अंश लिया इसने।
गई, डूब गई नुटिया रे। मामा, अब आगिल को क्या बताएंगे कि बेनाम कैसे भागी? शांत शांत हो जाओ और देवी शांत हो जाओ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।